साथियों, भारत के टैक्स सिस्टम में पहले किस तरह की कमियां थी इससे आप भली भांति परिचित हैं। इंस्पेक्टर राज, टैक्स से नीति जुड़ियों में नीतियों में भ्रम और अलग अलग राज्यों में टैक्स के जाल ने भारतीय उद्योग जगत की स्पीड पर जैसे ब्रेक लगाया हुआ था, देश अब इस ब्रेक को भी हटा चुका है। हमारे टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी आए, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ह्यूमन इंटरफेस समाप्त हो, इसके लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। आज देश में कॉरपोरेट टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स रेट जितने कम है उतने पहले कभी नहीं। साथियों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म या पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म, इनकी मांग लंबे अरसे से होती रहती थी, हर किसी ने मांग की। ये सब आज सच हुआ है, तो इसी सोच की वजह से कि इंडियन इंडस्ट्री के सामने की हर रुकावट दूर की जाए, उसे विस्तार का हर मौका दिया जाए। साथियों, कुछ लोग ये छवि बनाने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं कि भारत सरकार उद्यमियों के पीछे डंडा लेकर के चल रही है, कुछ बेईमान और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को इंडियन इंडस्ट्री पर सख्ती का रूप दिया जाना, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। भारतीय उद्योग एक पारदर्शी माहौल में भय के बिना, बाधा के बिना आगे बढ़े, देश के लिए वेल्थ क्रिएट करें, खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करें, यही हम सभी का प्रयास रहा है। ये निरंतर कोशिश की गई है कि भारतीय उद्योग जगत को कानूनों के जाल से मुक्ति मिले। देश में 1,500 से ज्यादा पुराने कानून इसी कोशिश की वजह से खत्म कर दिए गए हैं। कंपनी लॉ से जुड़ी छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक के लिए भी उद्यमियों पर किस तरह क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता था, मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। अब ऐसी अनेक गलतियों को डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। जिन लेबर कोर्ट्स पर अभी काम चल रहा है वो भी लेबर कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने की प्रक्रिया है, जिसका लाभ इंडस्ट्री और वर्कफोर्स, लेबरर्स दोनों को होगा। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश में तत्कालिक उपायों के साथ ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर एक साथ काम किया जा रहा है। देश में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा।